नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी जानकारी, करंट अपडेट्स, बिटकॉइन से रिलेटेड टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों आज हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक डाउन हो चुका है, 5800 के आसपास टच कर चुका है। जैसा कि आप मार्केट में देख रहे हैं, $5,819 टच कर चुका है, ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जो प्राइस है इसका डाउन कर चुका है। और इसका जो डाउनफॉल है वो कंटिन्यू जा रहा है, क्योंकि जो आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि जो मार्केट डाउन जा रहा है इसके पीछे 5-6 बड़े बड़े कारण थे। साउथ कोरिया का बिट थम एक्सचेंज हैक होना, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन ना होना, अभी डिसीजन पेंडिंग है इसके ऊपर। तो हम जेपे का जो करंट चल रहा है उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। RBI और जो वर्चुअल करेंसी के ऊपर जो चल रहा है, RBI ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि जो भी बैंकिंग सर्विसेज हैं क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से वर्चुअल करेंसी का जो एक्सचेंज करेंगे उनके ऊपर उन्होंने बैन लगा रखा है कि नेक्स्ट 3 महीने में कोई भी बैंक क्रिप्टो करेंसी का लेन देन नहीं करेगा INR टू BTC में। तो जेपे ने ये नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि उसका जो बैंक का अकाउंट है वो ऑलरेडी अभी सीज कर रखा है, जैसे वो बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो जेपे से आप अपना फंड निकाल सकते हैं। अभी जेपे ने 1 महीने का वेटिंग पीरियड दे रखा है आपके जो विड्रावल ऑफ फंड है उसके लिए। बिकॉज ऑफ RBI ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि कोई भी बैंक 3 महीने के अंदर तक किसी भी फिएट करेंसी का लेन देन ना करे क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। और जो करंट प्राइस है वो आप देख रहे हैं बिटकॉइन का 3,89,000 रुपये चल रहा है एट प्रेजेंट, काफ़ी डंप हो चुका है प्राइस। और जो जेपे का जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं ऊपर टॉप कॉर्नर में लेफ्ट साइड 3,89,601 रुपये चल रहा है। और बाकी की जो करेंसियाँ जेपे ने लिस्टेड की अपने एक्सचेंज के ऊपर, अगर आपके पास पैसा है जेपे के अंदर तो आप अपने पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी करेंसी के रूप में, और आपको कैश निकालने के लिए विड्रा लगाना होगा। लेकिन विड्रा जो है वो आपका 1 महीने का टाइम पीरियड लगेगा क्लियर होने में, वो भी वेटिंग में दिखा रहा होगा अभी आपको, या आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं जेपे में। तो जो करंट पोजीशन है वो जेपे ने अपने आप को एक एक्सचेंज के रूप में डेवलप किया है हाल ही फिलहाल में। काफ़ी जो करेंसी है इसके ऊपर लिस्ट हो चुकी है, लेकिन इससे पहले जो हम BTC बाई करते थे डायरेक्ट रुपीज़ से, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी बाई करने में, ठीक है। जैसा कि ये FAQ आप देख सकते हैं, जो लास्ट FAQ है इसका 21 जून को पोस्ट हुआ था, उसके ऊपर बिल्कुल क्लियरली मेंशन नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि ये, और इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ेंगे तो इस नोटिफिकेशन में जेपे ने अनाउंस किया है कि जो आपका रुपीज़ है जेपे दैट कुड बी स्टॉप्ड राइट नाउ ऑन बेसिस ऑफ RBI इंस्ट्रक्शन, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं कि जेपे ने जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है उसका पूरा फॉलोअप किया है, क्योंकि इसका जो बैंक अकाउंट है वो ऑलरेडी सीज हो चुका है, बंद हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था बिटकॉइन को सर्कुलेशन के लिए वो अभी होल्ड अप पे है, और उसके द्वारा जितने भी बैंक है जो भी क्रिप्टो करेंसी से डील कर रहे हैं उनको अभी डील करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए। तो उस नोटिफिकेशन को आधार मानते हुए जेपे ने यह डिक्लेयर किया है कि अभी आपका विड्रावल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जेपे की जो भी बैंकिंग सर्विस है वो विड्रावल परमिशन नहीं दे रही है राइट नाउ, बिकॉज जेपे का जो अकाउंट है वो अभी क्लोज हो चुका है, ऑन होल्ड है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइन जो RBI ने एडवाइजरी जारी की थी उसके द्वारा। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लॉस में हैं तो आप होल्ड कीजिए, अगर प्रॉफिट में है तो आप अपने जो पैसे हैं जितने भी आपका INR वहाँ पे है तो उस INR से आप दूसरी करेंसी बाई कर सकते हैं, ताकि आपका जो पैसा वहाँ पे फंसा हुआ है वो यूज़ हो सके और वहाँ से आप BTC ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं भी। लेकिन INR में ट्रांसफ़र करने के लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो जेपे पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जेपे के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, और इसकी जो करंट न्यूज़ है उसके द्वारा आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, ओके दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको जेपे की जो करंट अपडेट्स है वो पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, और इन क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी यहाँ पर, ठीक है। जो मेन चीज़ इसमें पूछ रखा है कि जेपे ने जो अपना अनाउंसमेंट किया है उसके बारे में क्या है कि 6 अप्रैल 2018 को सर्कुलर जारी किया था RBI ने कि कोई भी बैंक क्रिप्टो करेंसी से लेन देन नहीं करेगा, ओके।
उसके बाद जेपे ने अभी अनाउंस किया हुआ है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी का लेन देन है, आपके जो पैसे फंसे हुए हैं वो विड्रावल अभी उन्होंने स्टॉप कर दिया गया है। आपको आपका पैसा वापस मिलेगा कि नहीं, इसके लिए आपको जो इसका जो बैंक अकाउंट है जेपे का वो ओपन होगा, तभी आपको पैसा मिल पाएगा। अदरवाइज़ आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर सकते हैं दूसरे कॉइन बाई करके। तो क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसके ऊपर। इसका जो ब्लॉग है zebpay.com, उसके ऊपर जा कर के आपकी जो पूरी की पूरी क्वेरी है वो यहाँ पे दूर हो सकती है। तो zebpay से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और जितना भी है जो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं तो उसके ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा आपको नॉलेज लेने की यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत है। तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है, अभी बहुत जल्दी न्यूज़ आ रही है कि बिटकॉइन लीगल होने वाला है और उसके ऊपर जो टैक्स है वो ऑलरेडी कमेटी बैठी हुई है, ठीक है। इन्होंने जेपे का जो ट्विटर का पेज है उसके ऊपर भी सेम अनाउंसमेंट दे रखी है, आप अगर ट्विटर यूज़ कर सकते हैं या यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। लेटेस्ट बिटकॉइन रेगुलेशन के ऊपर आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।